दोस्तों मैं विकास कोलिया YouTube पे लेके आऊँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस। जो आज मैं वीडियो लेके आऊँ ये चौथी वीडियो है मेरे दिन की। आज जो वीडियो है वो लास्ट क्वार्टर फाइनल है दोस्तों, स्टेफानोस सिसिपास वर्सेस गाइजो श्वार्ट्समैन। देखा जाए यो जो ये मैच है, ये भी मैच एकदम कड़क हुआ है। देखा जाए क्वार्टर फाइनल 1, क्वार्टर फाइनल 2, क्वार्टर फाइनल 3, क्वार्टर फाइनल 4, सारे के सारे क्वार्टर फाइनल बहुत ही जबरदस्त हुए हैं। कोई भी क्वार्टर फाइनल ऐसा नहीं हुआ जो विद इन 2 सेट्स में खत्म हो जाए। सारे 3 दिन सेट सक गए हैं, सब में रोमांच एकदम बरकरार रहा और बढ़िया प्रदर्शन हुआ। सारे क्वार्टर फाइनल 2 घंटे से ऊपर ही गए। ये वाला क्वार्टर फाइनल तो 2 घंटे 43 मिनट्स 2 hours 43 minutes चला, तो देखा जाए काफ़ी बड़ा क्वार्टर फाइनल ये भी चला। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग वीडियो है। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा यार दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सकें। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस में, बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। पहले सेट में स्टेफानोस सिसिपास ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, पहले अपनी सर्व पे होल्ड रखा, फिर गाइजो श्वार्ट्समैन की सर्विस भी तोड़ी और एक समय पे फोर लाफ कर दिया था। फिर उन्होंने फाइनली श्वार्ट्समैन ने अपना कुछ प्रदर्शन बताया और सिसिपास की सर्व भी तोड़ी, अपनी सर्व पे होल्ड भी रखा, तो 2-5 से ट्रेलिंग करे थे गाइजो श्वार्ट्समैन। और श्वार्ट्समैन की अब थी सर्विस, इस बार स्टेफानोस सिसिपास ने उनकी सर्विस ब्रेक बैक कर दी। ब्रेक बैक इसलिए क्योंकि उससे पहले स्टेफानोस सिसिपास ने की सर्व तोड़ी थी। तो देखा जाए 3 बार सर्व तोड़ी गाइजो श्वार्ट्समैन की, और गाइजो श्वार्ट्समैन 1 बार सर्व तोड़ने में कामयाब रहे बट वो सेट में इतना कमाल नहीं कर पाए। अब बढ़ते हैं सेकंड सेट की ओर। सेकंड सेट में तो और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बताया गाइजो ने, बट सिसिपास ने शुरू में अच्छा बताया, बाद में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं बता पाए। उन्होंने आते ही सर्व तोड़ी, जैसे ही सर्व तोड़ दी और वो 5-2 से आगे हो गए थे, 1 लव 2 लव 3 लव। उसके बाद वो सर्व पे होल्ड रखना शुरू किया गाइजो श्वार्ट्समैन ने और वो 5-2 से देखा जाएगा 2-5 से ट्रेल कर रहे थे। उसके बाद स्टेफानोस सिसिपास उन्होंने पहले अपनी सर्व पे होल्ड रखा, फिर सर्व भी उनकी तोड़ी, फिर से अपनी सर्व पे होल्ड रखा। देखा जाए वो बराबर हो गया था मैच, उन्होंने बराबरी कर दिया 5-5 गेम्स पे। उसके बाद ये टाई ब्रेकर तक गया, 6-6 गेम हुआ। जैसे ही टाई ब्रेकर में गाइजो श्वार्ट्समैन ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन बताया और जीत गए मैच 7-3 से। ये वाला सेट मैच नहीं जीते हैं, मैच नहीं सेट जीते ये वाला। जैसे ही वाला सेट जीते लग रहा था कि अब सिसिपास और गाइजो श्वार्ट्समैन फिर से बराबर पे आ गए हैं, बट गाइजो ने और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बताया। आते ही सर्व सिसिपास की तोड़ी, 2 बार सर्व तोड़ी, 1 लव 2 लव 3 लव 4 लव। उसके बाद सिसिपास ने लग रहा था कि सिसिपास अब हार जाएंगे मैच और मोंटे कार्लो मास्टर्स में अपनी ट्रॉफी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, बट स्टेफानोस सिसिपास इस बार चाहते थे कि वो कुछ बड़ा करना और बड़ा करके दिखा दिया। स्टेफानोस सिसिपास ने अपनी सर पे होल्ड रखा, गाइजो की सर्व तोड़ी, अपनी सर पे होल्ड रखा, गाइजो की सर्व तोड़ी, अपनी सर पे होल्ड रखा, गाइजो की सर्व तोड़ी। 3 लगातार गाइजो की सर्व तोड़ी और 3 लगातार अपनी सर पे होल्ड रखा और 6-4 से थर्ड सेट अपने नाम किया। क्या विक्ट्री थी! उन्होंने एक शॉट खेला था जिसमें वो नीचे गिरे थे, वो मेरे हिसाब से अभी के लिए वो शॉट ऑफ द ईयर नॉमिनेट हो सकता है। क्या प्रदर्शन किया सिसिपास ने इन द एंड। शुरू में देखा जाए तो स्टेफानोस सिसिपास लीड कर रहे थे, फिर गाइजो ने क्या प्रदर्शन बताया। उसके बाद देखा जाए तो सिसिपास पीछे चल रहे थे और सिसिपास ने लास्ट में जाके क्या प्रदर्शन बताया है, गाइजो को हरा दिया। अब उनका मैच हो गया अलेक्जेंडर ज्वेरव से। ज्वेरव देखा जाए ATP रैंकिंग के मुताबिक ज्वेरव और सिसिपास काफ़ी क्लोज है, और सिसिपास चाहेंगे कि अपनी ट्रॉफी को मेंटेन रखना और ज्वेरव चाहेंगे कि वो नंबर 1 की और सीढ़ी को धीरे धीरे टच करते जाए। और वो पहला रास्ता ये है कि स्टेफानोस सिसिपास वाला। दोस्तों आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी राय दें। मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्शन, मैं तो सपोर्ट दोनों कर रहा हूँ बट जीते या तो एज ही, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये मैच स्टेफानोस सिसिपास जीत जाएंगे। दोस्तों आप अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।